हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 9th मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री का 7th चैप्टर देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमको कुछ क्वाड्रेंट सीखने हैं, पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं वो देखना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं वो सब आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसको कैसे बनाते हैं। हम लोग फर्स्ट वीडियो में यही सब देखेंगे और सेकंड और थर्ड वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो फिर हम लोग पहले देखते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट जो ग्राफ पेपर होता है उससे वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन होती है और एक्स एक्सिस स्लैंटिंग लाइन होती है, और उसमें हम लोगों को पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं। पॉइंट्स प्लॉट करना मतलब कि उसमें लिखा होगा, फर्स्ट एक्स का लिखते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं उसको, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसको बना के फिर पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं। सपोज हमको लिखना है कि ये पॉइंट किधर है, तो हम इसको पहले एक्स एक्सिस का नंबर लिखेंगे। तो पहले 2 लिखेंगे और फिर कॉमा करके -1, फर्स्ट एक्स एक्सिस का नंबर, फिर वाई एक्सिस का नंबर, हम इसको ऐसे लिखेंगे। और वैसे ही सेम अगर हमको इधर बताना है तो फिर इधर सपोज वो पॉइंट उधर है, फिर इसमें पॉइंट वाला भी है प्रैक्टिस सेट में, वो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते देखेंगे। तो फिर इसमें भी हम लोग पहले 2 लिखेंगे कॉमा 1, ये इधर और ये वाला इधर का, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये एरोस नहीं बनाएंगे, जो लिखा है हम लोग वैसे लिखेंगे। तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस, दोनों साइन प्लस होती है, मतलब जो आगे प्रैक्टिस सेट है उसमें हमको बताना है कि ये नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। फिर अगर सपोज -2,2 है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वो। तो सपोज है -2,-2, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 2-2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसकी साइन होती है प्लस प्लस, जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसकी साइन होती है माइनस प्लस, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसकी साइन होती है माइनस माइनस, और फोर्थ की होती है प्लस माइनस, ऐसे साइंस होती है। हम लोग ऐसे देख के भी बता सकते हैं कि अगर हमको साइंस पता होगी तो हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा नंबर्स देख के। क्योंकि अगर हमारे पास ये सामने है, ये वाला जो हमारे पास अगर ये सामने है, तो फिर हम इसको ऐसे देख सकते हैं। पहले हम लोग एक्स का लिखते हैं फिर वाई का, तो फिर 2 और 2 लिखा है मतलब फर्स्ट में आएगा, फिर अगर सपोज 2 और -2 लिखा है तो फोर्थ में आएगा, क्योंकि हमने पहले एक्स का लिया फिर वाई का, तो एक्स वाले की साइन इधर प्लस है इधर माइनस। और हमेशा राइट हैंड साइड पे प्लस नंबर होते हैं नंबर लाइन में, और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस, तो वैसे इधर नंबर्स लिखे हैं, और ये पॉइंट ओ, और इधर इधर जो नीचे वाली साइड है उधर माइनस नंबर्स होते हैं और ऊपर वाली साइड प्लस नंबर्स होते हैं। तो फिर ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इसमें हमको पता होनी चाहिए, और मैंने आपको कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं वो भी बता दिया है। और ये जो है मतलब अगर सपोज 2,0 लिखा है तो फिर वो एक्स एक्सिस पे आएगा। अगर सपोज क्वेश्चन है कि ऑन विच द प्रैक्टिस सेट में है क्वेश्चन, वो कि कौन से वाले में आएगा कि स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाए, तो हमको ऐसे बताना होगा कि कौन सा उस पर आएगा। तो अगर सपोज 0,2 है, 0,2, तो फिर वो आएगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि हमको पता है कि जो सेकेंड नंबर होता है वो वाई एक्सिस का होता है, वाई वाले पॉइंट पे होता है, वाई लाइन वाले पॉइंट पे होता है।
और जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स पे होता है। तो हमको ऐसे पता लग जाएगी कि एक्स एक्सिस पे कौन सा आएगा। अगर 2,0 है, 3,0, 4,0, 8,0, 10,0, तो हमको बता सकते हैं वो एक्स एक्सिस आएगी। और अगर सपोज 1,0, 2,0, 8,0, 10,0, तो फिर वो भी हम बता सकते हैं कि वो भी एक्स एक्सिस पे आएगी, क्योंकि वो भी द फर्स्ट नंबर है ना, इसलिए। तो फिर हम ऐसे बता सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी याद करने के लिए, मतलब द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज जीरो, मतलब कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हर पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि खा पे हमको दिख रहा नहीं है ना कि वो वाई खा पे जुड़ रहा है। मतलब ये अगर कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा। और वैसे ही सेम, अगर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज जीरो, जो मैंने आपको बताया 0,-4, वो हमेशा, क्योंकि उस पर कोई एक्स जुड़ थोड़ी ना रहा है, एक्स तो जीरो पे ही जुड़ रहा है ना, इसलिए उसको ऐसा लिखा है। और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0,0, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है, ये वाला, तो ये हमेशा 0,0 रहेगा, ओरिजिन का है ना, इसलिए। तो फिर हमने अभी बेसिक सारी चीजें सीख ली है इस प्रैक्टिस सेट के लिए। तो फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।